दिल स्वर्ग ध्वजा पहराने वाले उसी घाट पे आए आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संगना अंधेरा जुड़ा, अंधेरा जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है परीक्षित महाराज नारायण भैया, एक ही घाट। एक महात्मा को भजन कर रहे, सरजी को टाइम रहे, माला घुमा जाए कहां पत जाए, तो लो हमें मनवीर जैसे निकले। मनवीर ने देखो कि महात्मा कहां पे रहे, तो एक कम्बल महात्मा पर फेंक दो, महात्मा कम्बल उड़ के भजन करने लगो। हाय दैया तो लोग चोर चलो आओ, कम्बल लेके माने भाज दो झपट्टा मार के। महात्मा चोर के पीछे पड़ी हो, सारे तो छोड़े ही ना है, सारे तो छोड़ ही ना है, तो कहूं जाइए सारे तो छोड़े ही ना है। सो चोर घुसी हो गांव में और महात्मा मरघट में आके बैठ गया, कान लगो सारे छोड़े ही ना है। एक सज्जन बोले बाबा जी वो चोर तो गांव में घुस गयो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना, महात्मा कान लगे कहूं जाए एक दिन ही जरूर आए, कहूं जाए एक दिन यहां जरूर आएगा। ये सच्चा एड्रेस है उसका, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट, कहूं जाइयो एक दिन हुन चल। और घर से मरघट की दूरी क्या है नारायण भैया, घर से मरघट की दूरी क्या है, वो कितने दिन में तय कर पाता, कोई तो 100 साल में तय कर पाता। आज जिस समय नारद ने उपदेश किया महाराज प्रिय व्रत को वैराग्य हो गया, एक हुए तमाचो लगो संतन को, इसीलिए कहा कि संतन में सुख बिलस ले उतरो चाहे पार, फूटो मन बदलाए ले ये सतगुरु बड़े सुनार। संतों में सच्ची शांति। भाइयों राजा प्रियव्रत ने अपने छोटे भैया उत्तान पाद के माथे पे मुकुट रख दो और कहने लगे भैया हमारा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब मैं भजन करने जाऊंगा।